ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो क्लास 9th, आज मैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे 1.3 के, ठीक है? चलो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म में हमको राइट करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, गॉट इट? डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो रिमाइंडर जीरो हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्यूरेट रिपीटिंग, ये क्या होता है, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता और डिजिट भी रिपीट नहीं होती, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो देखो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। 136, ठीक है, सो 100 divided by 36, how can we solve it? How can you solve it? Divide 36, got it? 36 is a very small digit as compared to the 100, so we will take here 0 and here 0.0 and 0.0, got it? 3 times, we get remainder 60, got it? We already put it here, point, that's why I can also increase the zeros at the in front of 60, ठीक है ना? So 100, it means 600. So we get remainder here 0. यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया? Remainder 0 मिल गया। इसका मतलब इसको मैं कितना write कर सकता हूँ? इसका हमारे जो answer आएगा वो कितना आएगा? 0.36. 0.36 हो गया, decimal expansion हम लोगों ने कर दिया, 0.36 हो गया। अब देखो जब रिमाइंडर यहाँ पर जीरो आ गया, इट मींस क्या हो गया, हमारा टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मीनिंग क्या होता है कि रिमाइंडर जीरो आ गया, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, गॉट इट? इस टाइप से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। एक एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन करने बैठे, ठीक है ना? इसी टाइप से बता दें अगर, ठीक है, चलो नहीं आएंगे तो अपन आगे वो डिस्कस करेंगे। 1/11 लिखा, ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। 1/11 डिवाइड इट, ठीक है, 1 इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द 11, दैट्स व्हाई आई पुट हियर 0, गॉट इट? एंड 10 इज आल्सो अगेन इट इज अ स्मॉल डिजिट एज कंपेयर टू द 11, दैट्स व्हाई आई विल पुट वन मोर 0 हियर, ठीक है, वन मोर 0। सबसे पहले यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया कि इसके लिए, इसके लिए लगाया, इसके लिए एक और 0 लगाना होगा, क्योंकि एक और 0 लगेगी तो 0 हो गया, ठीक है ना? 11 9 से कितना हो गया? 99। 11 9 से 99, 100 minus 99, इट मीन्स वी गेट 1, गॉट इट? चलो अगेन वी गेट 1, ठीक है ना? जो हमारे पास पहले था वही हमारे पास वापस आ गया है, लेकिन 1 ऑलरेडी पहले से ही आ गया, जो पहले से ही था, ठीक है ना? फिर मैं वही प्रोसेस करूंगा, एक 0 यहाँ लगाऊंगा, ऑलरेडी एक पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाने की रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन अब मुझे 0 लगाना होगा यहाँ पर भी और एक 0 यहाँ पर भी, क्योंकि, ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए। अब फिर से मैं क्या करूंगा, 9 10, ये 9 10, ठीक है, अगेन आई गेट 1 ईयर रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर जो 1 है ना, वो रिमाइंडर कभी भी आपका 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 1 1 1 हमेशा आपका क्या होता जाएगा, आता जाएगा, रिमाइंडर बचता जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा हमको रिमाइंडर, ठीक है, और 0 नहीं मिलेगा, इसका मतलब 09 09 09 09 09, ये भी क्या होता जाएगा, ये भी डिजिट आपकी बढ़ती जाएगी आगे। इसका मतलब हम लोग क्या, यहाँ पर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जब मैंने किया तो मुझे मिला 0.09। इसको और 09 के बारे में रिपीट हो रहा है, तो मैं 09 के ऊपर क्या लगाऊंगा, बार लगाऊंगा, और 09 के ऊपर जब मैंने बार लगाया, इसका मीनिंग क्या होता है, बार का मीनिंग ये होता है कि जो डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो डिजिट क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। अच्छा बताओ ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों ने किया, किस टाइप का किया? टर्मिनेटिंग था, यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा सर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और डिजिट्स भी क्या होती जा रही, रिपीटिंग, रिपीट होती जा रही, इसलिए मैं यहां पर भी क्या राइट करूंगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, व्हाट इट, रिपीटिंग के प्लेस पर रिकरिंग भी राइट कर सकता हूं, व्हाट इट। चलो तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन हैं ये इनको सॉल्व करो, ठीक है, इजी, इस टाइप से ही करना है। आप लोगों को बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, व्हाट इट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यू नॉट ऐड द वर्ब ऑन 7 इज इक्वल टू 0.142857 0.142857 कैन यू प्रेडिक्ट टू व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 अपॉन 7 3 अपॉन 7 4 अपॉन 7 एंड 5 अपॉन 7 एंड 6 अपॉन 7 आर. गॉट इट? ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन. हां क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू, हम लोगों को ऑलरेडी गिवन दिया गिवन है. ठीक है, तो हमको क्या करना है? 2 अपॉन 7 3 अपॉन 7 4 अपॉन 7 5 अपॉन 7 और 6 अपॉन 7 की वैल्यू को क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या इसकी हेल्प से? ठीक है ना, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन जैसे कि अभी डिवीजन हम लोग करके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर रहे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को इस टाइप से डेसिमल नहीं करना है, हमको लेना है इसकी हेल्प. ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, देखो 1 अपॉन 7 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोग को, 0.142857 इज गिवन हियर. व्हाट इट एंड द बार ऑन द डिजिट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बार? ठीक है ना, इस बार का मीनिंग क्या होता है कि जिन डिजिट्स के ऊपर ये बार लगा हुआ वो डिजिट्स क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है. गॉट इट? ये हो गया. चलो 1 अपॉन 7 इतना दिया हुआ है, तो चलो अब 2 अपॉन 7 की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं. 2 अपॉन 7 2 अपॉन 7 मैं कैसे राइट कर सकता हूं? देखो 2 अपॉन 7 2 अपॉन 7 है. अब 2 अपॉन 7 को ध्यान से देखो कि मैं कैसे राइट कर सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 7. कोई फर्क पड़ेगा इस डिजिट के ऊपर? नहीं, क्योंकि 2 बचे 2 अपॉन 7 फिर वही वाली डिजिट आ जाएगी. तो क्या हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 7, तो 2 इनटू 1 अपॉन 7 1 अपॉन 7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन हियर, तो यहां पर करेक्ट कर दूंगा 142857. ये हो गया. अब क्या करना है सिंपल, अब कुछ नहीं करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है सारी डिजिट्स. क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई करना है सारी डिजिट्स. 2 7 जा कितना होगा? 14. कैरी 1. 2 5 जा 10. 10 और 1 11. फिर से कैरी 1. 2 8 जा 16. 16 और 1 17. कैरी 1. 2 2 जा 4. 4 और 1 5. ठीक है, और 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 और 0. ये वैल्यू हम लोगों को क्या होगी यहां पर? वैल्यू आगे समझ में. सिंपल हम लोगों को डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिजिट यहाँ पर एज इट इज हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 अपॉन 7 3 इंटू 1 अपॉन 7 3 इंटू 1 अपॉन 7. ठीक है ना, 3 इंटू 1 अपॉन 7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो उसकी प्लेस पर मैं 0.142857 पुट करूंगा बार. अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है, अब आपको जैसे यहाँ पर आप लोगों ने किया था 2 का मल्टीप्लाई, इन सारी डिजिट में आपको 3 का मल्टीप्लाई करके आंसर राइट करना है. What it? As it is, मैं 4 upon 7 को ले सकता हूँ, तो 4 upon 7 को ले सकता हूँ, तो 4 multiplied by 1 upon 7 इसकी place पर write करूँगा. ठीक है, 4 multiplied by 0.142857 ये हो गया, ये मैंने write कर दिया. ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको, 4 से multiply करना है digit में, जो भी multiply करोगे वो answer यहाँ आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद 5 upon 7 6 upon 7 को भी आपको as it is solve करना है. Got it? आगे बात समझ में? चलो हमने move कर दिया next question की तरफ. चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. व्हाट इट? तो ये हो गया हम लोगों को करना है, जितने भी ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है ये. ठीक है ना, इसको हमको किस फॉर्म में चेंज करना है? p अपॉन q के फॉर्म में हम लोगों को चेंज करना है. ठीक है ना, देखो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम p अपॉन q के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को p अपॉन q के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं. फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करके बता देता हूँ किस टाइप से शुरू करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को करना है. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन. ठीक है ना, इसको आपको करना. ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब देखो p अपॉन q के फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो भी हम लोगों को गिवन होगा उसको हम x के इक्वल सपोज करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0.47 का बार. व्हाट इज 0.47 बार हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं कि कितने डिजिट यहां पर रिपीट हो रही है, कितने डिजिट यहां पर रिपीट हो रही है. सर यहां पर जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 4 7 7 7 यानी कि यहां पर जो 7 इनको रिपीट हो रहा है. ठीक है ना, और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, 7 हमारा क्या हो रहा है, रिपीटेटिव डिजिट है. गॉट इट? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब एक ही डिजिट रिपीट होती है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ 10 से. ठीक है ना, क्या करते हैं 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे.
तो मल्टीप्लाई किया 10, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहां पर जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे इसको अभी ऐसे राइट करो 0.4777 एंड सॉल्व। व्हाट इट, चलो नेक्स्ट स्टेप देखो, 10x इज इक्वल टू, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो आपको क्या मिलेगा, यहां से जो डेसिमल फॉर्म है, जो डेसिमल है वो एक डिजिट कहां जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 4 क्या हो जाएगा हमारा, 4 आगे आ जाएगा 4.4777 यहां से हम लोगों को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को यहां पर वो वाली वैल्यू चाहिए होती है जो हम लोगों ने x के इक्वल माना है। x के इक्वल क्या सपोज किया है हम लोगों ने, 4.777 ये सपोज किया है। इसका मतलब यहां पर कैसे भी करके हम लोगों को ये वाली वैल्यू पुट करना है ताकि मैं उसकी प्लेस पर क्या पुट कर सकूं, x पुट कर सकूं। व्हाट इट, समझ में आया। चलो तो अब यहां पर मैं लेकर के आऊंगा, कैसे लेकर के आऊंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। तो इसको मैं 4.3 प्लस 0.44 0.4777 ऐसे ऐड कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें से मुझे अगर 0.4777 हटाना है तो इसमें से 0.477 हटाओगे तो 4.3 तो बचेगा, ठीक है। चेक कर लो आप इसको और इसको, व्हाट इट, चलो चेक करते हैं। ये लिखा 4.300000, व्हाट इट, और इधर है हमारे पास 0.0.4777777, व्हाट इट। अब यहां देखो, यहां मेरा आ जाएगा 7777, 4 और 3 कितना होगा 7, और ये हो गया 7, व्हाट इट। मिल गई हम लोगों को वही वाली वैल्यू जो चाहिए थी, ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.3 प्लस, इसकी प्लेस पर मैं यहां पुट करूंगा सर, x पुट करूंगा यहां से अब इधर की साइड में। तो 10x इज इक्वल टू 10x, यहां से x क्या होगा, उधर ट्रांसफर करोगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3, व्हाट इट, 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 9x, यानी कि 4.3। यहां से x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 4.3 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, पॉइंट हटाओगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 43 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। एंड दिस इज द p अपॉन q फॉर्म, हियर p इज इक्वल टू 43 एंड p इज इक्वल टू 90, ठीक है ना। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, समझ में आया p अपॉन q के फॉर्म में कैसे इसको चेंज किया हम लोगों ने, व्हाट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.001, इसका मतलब इसको मैं सबसे पहले x के इक्वल सपोज करूंगा तो 0.001 बार लगाऊंगा। बार का मीनिंग क्या होता है सर, बार का मीनिंग ये डिजिट जो है, ये बार जिसके ऊपर लगा होता है वो डिजिट रिपीट होती है, यहां पर 3 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई हियर 10, ठीक है ना, यहां पर भी आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 001 001 001 एंड सो ऑन, व्हाट इट। ये कितना हो गया, 10x is equal to 10 से जब इसमें, sorry, here 3 digits are repeating, ठीक है ना, that's why I will multiply here 1000, got it, समझ में आया। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मैं मल्टीप्लाई इसके अंदर करूंगा, क्यों करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 2 3 डिजिट यहां पर रिपीट हो रही ना, बताया था ना जब भी डिजिट रिपीट होगी तो हमको उसके अकॉर्डिंग करना है। तो 3 यहां पर 1000 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो 1, अब कितने डिजिट आप पीछे जाएगा, कितने डिजिट राइट हैंड साइड, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, यानी कि कितना हो जाएगा देखो 1.001, ठीक है, एंड सो ऑन, गॉट इट। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1000 x इज इक्वल टू 1, इसको मैं राइट कर सकता हूं 1.001001001 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो 1000x 1 प्लस, इसकी प्लेस पर ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं सर, x लिख सकता हूं ना, देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट, ये कितना हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, ये कितना हो गया देखो ध्यान से, देखो 1000x में से x को माइनस करोगे तो 999x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/999, ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया p अपॉन q के फॉर्म में, अंडरस्टैंड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू और बोल रहा है कि क्या आप इस आंसर से आगे क्वेश्चन में राइट नहीं किया लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि जो भी आंसर आपको मिलता है उस आंसर्स को देखकर के आप सरप्राइज हो क्या तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं फिर देखेंगे कि क्या हम वाकई में सरप्राइज हैं क्या उस आंसर से ठीक है ठीक है तो क्या करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप इज दैट जो भी वैल्यू है उसको x को इक्वल के x के इक्वल राइट करो ठीक है हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग सॉरी वन डिजिट इज रिपीटिंग ठीक है तो वन डिजिट अगर रिपीट हो रही तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 से मिला इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां कितना हो जाएगा देखो 10x = 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9.999999 आ जाएगा यहां पर ठीक है ना पॉइंट हटेगा पॉइंट यहां से राइट साइड में जाएगा 10x = देखो इसको मैं कह रहा हूं राइट 9 0.9999 इतना राइट कर सकता हूं ठीक है कर सकता हूं ना चलो देखो 10x = देखो 9 अब इसकी प्लेस को ध्यान से देखो इसकी प्लेस पर क्या लिख सकता हूं सर मैं x लिख सकता हूं यहां मैं लिखूंगा x लिखूंगा x को इधर लेके आऊंगा तो 10x = कितना हो जाएगा ये अंडरस्टैंड बात आई समझ में तो 10x में से x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x = ऑलरेडी वी हैव हियर 9 ठीक है ना x = 9 / 9 एंड 9 / 9 इट मींस 1 यानी कि x की वैल्यू जो आई वो हमारे पास 1 है कितनी है 1 है इसका मतलब p / q के फॉर्म में जब मैंने डिजिट को चेंज किया तो मेरे पास 1 है ठीक है इट मींस व्हाट कि 0.9 एप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है ठीक है ना इसके इक्वल है 1 के इक्वल है ठीक है ना कौन सी वैल्यू 0.9 एप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है 1 के इक्वल है एप्रोक्सीमेटली इक्वल है इसके 1 के इक्वल व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट्स समझ में आया ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है देखो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1.17 ठीक है मतलब वो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रिपीट हो सकती है जब हम क्या करते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी रिपीट हो सकती है ठीक है कितनी डिजिट रिपीट होंगी और फिर हमको डिवीजन भी चेक करना है चेक करके हमारा आंसर हमको चेक करना है ठीक है ना तो मैं आप लोग ये आंसर को आप लोग चेक करना मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको करना है ध्यान से सुनना कि जैसे कि आपके पास अगर 1/17 ये दिया हुआ है ठीक है 1/17 तो 17 हियर 17 क्या है यहाँ पर 17 इज डिवाइजर इट मींस वी विल डिवाइड 1/17 गॉट इट यानी कि 17 यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिवाइजर हो गया तो यहां पर जो नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होगी ना नंबर ऑफ डिजिट रिपीटेड वो हमेशा जो डिवाइजर है उससे छोटी होगी क्या होगी छोटी होगी ठीक है इसका मतलब 16 15 14 इतनी हो सकती है ठीक है ना लेकिन 17 से ज्यादा नहीं होगी गॉट इट समझ में आया यानी कि यहाँ पर 16 डिजिट्स जो है वो क्या हो सकती है रिपीट हो सकती है 16 डिजिट्स के ब्लॉक जो है वो क्या हो सकते हैं रिपीट हो सकते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी आपको डिवाइजर जैसे n दिया हुआ है क्या कितना दिया हुआ n सपोज करो डिवाइजर अगर आपके पास n है तो कितनी डिवाइजर अगर ये आपका n है डिवाइजर इज इक्वल टू n डिवाइजर अगर n है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रिपीट होगी हमारी वो ध्यान से देखो कितने डिजिट रिपीट होगी नंबर ऑफ डिजिट हमारी रिपीट होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग इज इक्वल टू n माइनस 1 गॉट इट मैक्सिमम नंबर हमारी उससे कम ही होगी गॉट इट इसका मतलब यहां पर कितने डिजिट रिपीट हो सकती है सर 16 डिजिट यहां पर हमारी रिपीट हो सकती है 16 डिजिट्स के ब्लॉक जो है वो यहां पर रिपीट हो सकते हैं गॉट इट अब आपको क्या करना है चेक करना है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर इसका मतलब अब आपको इसका डिवीजन परफॉर्म करना है तो डिवीजन आप लोग सिंपल आप भी कॉपी में इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है आप लोगों को आता है गॉट इट तो उसको सॉल्व करना
और चेक कर रहा है कि हमारा जो आंसर है क्या है, हमारा आंसर कि 16 डिजिट रिपीट हो सकती है, तो क्या डिजिट 16 ही डिजिट रिपीट हो रही, ठीक है ना। चलो इतना आप लोग करना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, लुक एट सेवरल एग्जांपल रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, यानी हमको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स लेना है रेशनल नंबर्स के जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर होना चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, यानी कि जो हम ऊपर डिजिट ले रहे हैं और जो नीचे डिजिट ले रहे हैं, जो न्यूमेरेटर ले रहे हैं और जो डिनोमिनेटर ले रहे हैं, उनके फैक्टर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 1 तो सारे का फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर 1 तो सभी का होता है, बट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस, और उनका क्या होना चाहिए, आपका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस नहीं होना चाहिए, गॉट इट। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, जैसे कि लेट्स सपोज कुछ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, 3/8 एक एग्जांपल है, बट इट 3/8 p अपॉन q के फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे 1/2 एक एग्जांपल हो गया, 1/2, ठीक है, एंड 25/10 एक एग्जांपल लिया, एंड 25/10 आल्सो एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई, क्या इसकी क्या प्रॉपर्टी है मस्ट सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करे, गॉट इट। चलो यहां पर जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो 8 और ये कितना हो गया 3, ठीक है, यहां पर 0. यहां 3 हो गया, ठीक है, देखो इंटरपोलेटिंग है, उसने बोला है यहां पर, क्या बोला है कि आपको कौन सा डेसिमल लेना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल लेना है, तो हमने जो ये दिया है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि पूरा टर्मिनेट हो गया 30.357, गॉट इट, ये टर्मिनेट हो गया, इसको मैं कितना राइट कर सकता हूं सर, 0.55 कर सकता हूं, ठीक है, इसको कितना राइट कर सकता हूं, इसको मैं 2.5 राइट कर सकता हूं, 2.5 डेसिमल अगर मैं लिखता हूं तो इसको मैं राइट कर सकता हूं 3.5 राइट कर सकता हूं, ठीक है, 2.5 3.5 5 से अगर मैं इसको काटूंगा अभी फिर कितना हो जाएगा 5/2, आई कैन राइट दिस हियर, ठीक है, सो भी 7/2, ठीक है। तो ये ऊपर जो नंबर लिया था हम लोगों ने, डिनोमिनेटर में 10 था, यहां 10 था, ठीक है, यहां पर जो नंबर लिया वो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 1000, 10 की पावर में हो गया, ठीक है ना, हो गया 10 की पावर, यानी कि 5 2 10, व्हाट इट, 5 2 कितना हो गया 10, यहां पर मैं कितना लिख सकता हूं, देखो इसको 0.375, इट मींस वी हैव द पावर 10^3, तो 10^3 इट मींस 5 × 2^3, लेट्स व्हाट इट, यहां पर इसको कितना 2.5, यानी कि 5/2, तो 2 की ये तो 5/2 लिखो या फिर 25/10 लिखो, बात तो यही है, रिड्यूस करेंगे तो 5/2 आएगा, 35/10 लिखो या फिर 7/2 लिखो, बात तो दोनों ही एक ही है, तो ये 5 × 2 और ये ओनली 2, ये 5 × 2 ये ओनली 2, तो हम लोगों को किसकी प्रॉपर्टी देखना है, हम लोगों को देखना है q की प्रॉपर्टी, q की क्या प्रॉपर्टी आ रही है, तो q की प्रॉपर्टी ध्यान से देखो 5/2, यहां भी 5/2 q मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर देखना है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या गेस किया कि जो q की जो प्रॉपर्टी आ रही है ना वो क्या दी है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q has only the power of only the
पावर ऑफ टू और पावर ऑफ फाइव और बोथ, समझ में आया? या तो टू की पावर होगा या फिर फाइव की पावर होगा या फिर फाइव और टू दोनों की पावर हो सकता है. What did all the students this question? Only we have to write the answer of this question. Understand? Move करते हैं next question की तरफ. तो student question number 7 देखो. Write the three numbers whose decimal expansions are non-terminating. बहुत easy question यार. Three क्या लिखना है हम लोगों को? Whose decimal expansion are non-terminating. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं सर, नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल 0.10 के ना 100 1000 1000 एंड सो ऑन. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. व्हाट इट अनदर एग्जांपल यू कैन से दैट नॉट टर्मिनेटिंग है. ठीक है ना, अनदर एग्जाम्पल यू कैन 20, ठीक है, एंड 200 200 2000, ठीक है, एंड थर्ड वन यू कैन टेक 3, ठीक है, 030 300 30 एंड 100. गॉट इट? These are the three examples. Next question आते हैं. Find three different irrational numbers between 5/7 and 9/11. 5/7 और 9/11 के बीच में हमको क्या करना है? तीन irrational numbers हमको find out करना है. Got it? तो सबसे पहले इनका division करो. 5/7, ठीक है ना? 5/7 इसका divide करो 7 और 5. Let's take कितना आता है, ठीक है ना? देखो ध्यान से, यह हो जाएगा 50, 0.77 का 49, 1, ठीक है, यहाँ पर 0, 7 बन जा 7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, फिर से कितना हो गया ये हमारे पास 3, है ना? बस इसके बाद फिर से 7 4 28, ये कितना हो गया 2. Got it? फिर यहाँ पर 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 14 यहाँ 6. Got it? यहाँ पर कितना हो गया 6, फिर 0, ठीक है, 7 8 जा 56, ठीक है, फिर कितना हो गया ये यहाँ पर 4, ठीक है, और फिर 7 4 जा फिर कितना हो गया 0, 7 5 जा ये कितना यहाँ पर 5. Got it? तो ये यहाँ पर आगे तक और इंक्रीज होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, इसको आप लोग करो, ठीक है ना? इसके बाद देखो 9/11, 9/11 का कैसे कर सकते हैं, 9/11, ठीक है, लेट मी फर्स्ट रफ इट. इसको रफ कर देता हूं. देखो 9, ठीक है, यहां 0.11, 9 जा 99 11, 8 जा किया 0, यहाँ कितना हो गया फिर से 0 लगाया, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ठीक है, 9, ठीक है. अब फिर से क्या हो गया, फिर से डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी. कौन सी वाली? ये 9 आ गया, फिर आपके लगाओगे यहाँ पर 0 लगाओगे, फिर से 8 1 आएगा, तो फिर से आप क्या बोलोगे 11 8 जा, और फिर ये कितना होगा 20. गॉट इट? यहाँ पर
ठीक है, यानी कि हमारी ये वाली डिजिट क्या होगी, रिपीट होती जाएगी, 0.81 81 81 81 क्या होता जा रहा है यहाँ पर, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। हाँ आपने बोला, चलो इतनी बात आ गई समझ, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, ये और ये इसके बीच में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ये आगे और इंक्रीज होगा बेटा, है ना, इसको आप आगे तक करते जाना। अब इन दोनों नंबर के बीच में हम लोगों को क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कितने इरेशनल फाइंड आउट करना है, थ्री नंबर, तो थ्री इरेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं, देखो ध्यान से, फर्स्ट इज 0.75 और लिख सकता हूँ मैं 75 00 75 = 0 एंड सो ऑन, गॉट इट, इरेशनल नंबर है, इरेशनल, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एंड सेकेंड वन आई कैन राइट इट 0.7679 कर सकता हूँ, 67 00 67 = 0 एंड सो ऑन, अंडरस्टैंड। एंड थर्ड वन इज 80 800 800 एंड 8 एंड सो ऑन, दीज आर द थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट्स, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल्स। ठीक है ना, देखो अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर को क्लासिफाई करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो √23, तो √23 हम लोग क्या बोल सकते हैं, √23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, रूट में से बाहर आने की कंडीशन क्या होती है, कोई भी नंबर जब रूट में से बाहर आएगा तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है हमारा, फर्स्ट वन इज इरेशनल नंबर, ठीक है, दिस इज अ इरेशनल नंबर। 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है, 2 to 5 मतलब 15 का, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 इज अ रैशनल नंबर, नॉट अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इज अ रैशनल नंबर। यहां पर इसको देखो 0.3796 0.3796 0.3796 0.3796, इसका मतलब आगे डॉट डॉट नहीं है, टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है, और इस टर्मिनेटिंग है, इसको पी अपॉन टू के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, पी अपॉन टू के फॉर्म में अगर चेंज कर सकते हैं तो कौन सा हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया। गॉट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7.478 478 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 आपको क्या होता जा रहा है यहाँ पर, 478 जो डिजिट है वो रिपीट होती जा रही, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम पी अपॉन टू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो बताया था ना इसके पहले वाले कि एक्स के इक्वल लेके फिर तीन डिजिट रिपीट 1000 से मल्टीप्लाई, तो वी कैन चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ वी कैन पी अपॉन क्यू, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ इरेशनल नंबर। बट इट नेक्स्ट वन देखो, तो इरेशनल नंबर इसको देखो, ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, देखो 0101001000140, ठीक है ना, इसे क्या होता जा रहा है, आगे इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। गॉट इट, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहां पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वी कैन से दैट 1 एंड 5th, ठीक है ना, यानी कि 1 और 5th जो हो गए आपके इरेशनल नंबर हो गए, बाकी सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। This is all about the exercise 1.3. Do it in your copy. Got it all the students and practice all the questions which are given by me. Okay, best of luck all the students.